हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नाउन का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने नाउन को अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी लर्न किया था। आज के इस वीडियो में हम नाउन को अकॉर्डिंग टू नंबर रीड करेंगे, लर्न करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये हमारा टॉपिक जो है वो दो वीडियोज़ में क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ रूल्स जो हैं, हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन, एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, उसमें हम नाउन स्टार्ट किया था हमने। अकॉर्डिंग टू नंबर, वचन के आधार पर, नंबर वचन। देर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर शोज वन ऑब्जेक्ट और नाउन, सिंगुलर यानी एक वचन जो हमें किसी एक चीज या किसी एक संज्ञा के बारे में बताता है। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, किसी भी एक संज्ञा या किसी एक चीज के बारे में बताया जाता है। सिंगुलर दिस इज अ पेन, ठीक है, तो एक के लिए। अब यहां पर दो है तो ये सिंगुलर नहीं है, अब ये हो गया प्लूरल, ठीक है। तो कोई एक चीज हो या कोई एक संज्ञा हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं। एज पेन, मैन, बुक, बॉय, स्कूल, हाउस एटसेट्रा। सेकंड प्लूरल बहुवचन, शोज मोर देन वन ऑब्जेक्ट और नाउंस, एक से ज्यादा वस्तु या संज्ञाओं को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें प्लूरल नाउन कहते हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन। सिंगुलर एक चीज, प्लूरल एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब चाहे वो दो हो चाहे सो हो, वो प्लूरल होगा हमारा। जैसे इन्हीं नाउन्स को मैंने यहां पर प्लूरल बनाया, पेन पेन्स, मैन मैन मैन, बुक बुक्स, बॉय बॉयज, स्कूल स्कूल्स, हाउस हाउसेस, ओके। जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल, अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिनमें हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज किया जाता है। द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके लास्ट में हम एस जोड़कर क्या बना देते हैं, उस नाउन को प्लूरल बना देते हैं। यही कह रहा है कि जो जनरली क्या होता है, किसी भी संज्ञा की जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर में क्या जोड़ दिया जाता है, एस। एस मोबाइल मोबाइल्स, स्टूल स्टूल्स, गर्ल गर्ल्स, टीचर टीचर्स, नोटबुक नोटबुक्स, कार cars, dog, dogs, bird, birds, bottle, bottles, book, books, door, doors, room, rooms, etc. तो इस तरह से हम किसी भी जनरल रूप में, जनरली यानी अधिकतर सिंगुलर नाउन में s ऐड कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। सेकेंड रूल, द नाउन एंडिंग इन ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच सी एच, ऐसी संज्ञा जो अंत में जिनके क्या हो, ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच एंड सी एच हो तो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तो उनके पीछे आप ई एस जोड़कर, ई एस लगाकर उसका क्या बना दो, प्लूरल बना दो। एस क्लास, क्लास में देखो लास्ट में डबल एस, ये एग्जाम्पल आ रहा, तो
कोई भी ऐसी संज्ञा जिनके लास्ट में ये लेटर आते हो, तो वहां पर प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? ईएस। तो क्लास में डबल एस, तो यहां पर क्लासेस। डिस, एसएच, कौन सा? ये वाला, डिसेस, ईएस ऐड हो गया। मैच, सीएच, मैचेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बफेलो, बफेलोज। बस, बसेस। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने सबके यहां पर लिखे। ओके डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर 3, द नाउन एंडिंग इन वाई, ऐसी संज्ञा इंग्लिश की जो वाई से एंड होती है, यानी लास्ट जो लेटर होता है वो वाई होगा, एंड प्रिसीडेड, प्रिसीडेड यानी पूर्व में, उस वाई से पूर्व में, अ कंसोनेंट, अगर उससे पहले कोई व्यंजन ध्वनि वाला लेटर हो या कंसोनेंट हो, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई कंसोनेंट हो, यानी कोई नाउन जो वाई से एंड हो रहा है और वाई से जस्ट पहले कोई कंसोनेंट हो। कंसोनेंट कौन से? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो 21 लेटर हैं, 21 लेटर्स हैं अल्फाबेट के, वो सभी कंसोनेंट हैं। तो ऐसा हो अगर, तो वहां पर आई ई एस एडेड इन प्लेस ऑफ वाई, वाई को हटाओ और वहां पर आई ई एस एड करो, एस सिटी। देखिए, सिटी का लास्ट जो लेटर है वाई, उससे पहले जो है टी, जो एक कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट हुआ, ये रूल फॉलो हो रहा है, तो यहां पर वाई रिमूव हुआ, हट गया, और उसके स्थान पर आई ई एस एड हो गया, सिटीज। लेडी वाई, और उससे पहले डी कंसोनेंट है, तो लेडीज। आर्मी, आर्मीज। स्टोरी, स्टोरीज। तो ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, द नाउन एंडिंग इन वाई, वह संज्ञाएं जो वाई से एंड होती हैं एंड प्रिसीडेड बाय अ वाउल, प्रिसीडेड बाय अ वाउल, और उस वाई से पहले अगर कोई स्वर हो, वही ए ई आई ओ यू हो, वाई से पहले अगर वाउल हो, एस इज एडेड, तो एस एड कर दिया जाता है, अब वाई हटेगा नहीं। डी ए वाई, डाई। ठीक है, वाई आ रहा है, उससे पहले ए वाउल है, इसलिए ये रूल यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पर कंसोनेंट था वाई से पहले, इसलिए वाई हटकर आई ई एस एड हुआ, यहां पर वाई से पहले वाउल है, स्वर है, तो यहां पर आपको वाई हटा नहीं है, बल्कि उसी के आगे एस लगा दीजिए, डाइज। स्टोरी, ये स्टोरी यानी कहानी, ये स्टोरी यानी मंजिल, स्टोरीज। बॉय, बॉयज। ट्रे, ट्रेज। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, द नाउन, द नाउन एंडिंग इन एफ एंड एफ ई, ऐसी संज्ञा जिसका लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो। वी ई एस इज एडेड इन प्लेस ऑफ एफ एंड एफ ई, तो उस एफ और एफ ई को वहां से हटाओ और उसके स्थान पर वी ई एस बना लगाकर उस नाउन को प्लूरल बना दो, एज एल ई ए एफ, लीफ। लीफ का लास्ट लेटर एफ है, तो उस एफ के स्थान पर, यानी के स्थान पर मतलब उस एफ को हटाकर वहां पर क्या जोड़ दिया? वी ई एस, लीव्स। सेल्फ, सेल्व्स। वाइफ, एफ ई है इसमें, देखो तो एफ ई दोनों ही हटेगा, वाइव्स, वी ई एस। नाइफ, नाइव्स। लाइफ, लाइव्स। ओके, नेक्स्ट रूल, द फॉलोइंग नाउन्स आर सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम ही फॉर्म होगा। ओके, आपको इनमें से कोई क्वेश्चन में देंगे और कहेंगे इसका प्लूरल फॉर्म कौन सा होता है, चार ऑप्शन में नीचे कोई एस लगा हुआ, कोई ई एस लगा हुआ, कोई सेम होगा, तो हमें सेम वाला चूज करना है अगर इस
ऐसा नाउन आपके क्वेश्चन में हो, सिप फिश यानी सिंगुलर भी सिप है एंड प्लूरल भी सिप ही होगा, फिश सीरीज स्वाइन डियर मींस कैनन सेलमन स्पेसिस कॉप्स कोड यॉक मूज ट्रॉट जेब्रा स्पेसक्राफ्ट डाइस फ्रूट इक्विपमेंट प्रेसिस एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। ऐसे नाउन्स हैं जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल भी सेम होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट जो नंबर के जो रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।